हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है वन ऑफ द बेस्ट बजट गेमिंग एयरबड और यह है बोट इमोटर 100 और इसमें आपको कूल एलईडी इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में, लुक्स में बहुत ज्यादा सुंदर बना है। और आप इसका लुक एंड शेप देख सकते हो, काफी ज्यादा छोटा एंड कन्वीनियंट, इसे कैरी करना जींस के साइड पॉकेट में भी इजिली एडजस्ट हो जाता है और भाई बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया है। और प्राइस कितना चल रहा है, सिर्फ 899 रुपीस का। फीचर्स सुन लो, फीचर्स में भी भरपूर है। 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है तो भाई कनेक्टिविटी इशू नहीं है, साथ ही में एसी ब्लूटूथ कोड भी सपोर्ट करता है। और बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए 40 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी भी है इसमें। और बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको टोटल क्वाड माइक देखने को मिल रहा है, सिंगल ईयरबड में दो माइक का इस्तेमाल कर रखा है, जिस वजह से भाई गेमिंग एक्सपीरियंस एंड कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ENX नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है, और क्या चाहिए दोस्तों। और IWP का भी टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होगा, जैसे ही आप केस को खोलोगे क्विकली आपके फोन के साथ पेयरअप हो जाएगा, आपको बर्ड्स भी निकालना नहीं पड़ेगा। और बर्ड्स को अंदर रख के जैसे ही आप केस को बंद करोगे आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो भाई कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट है इसका। और टोटल 30 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक है, साथ ही में फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिसके हेल्प से 10 मिनट चार्ज करके 100 मिनट का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और 10 mm के मिड रेंज का ड्राइवर का इस्तेमाल कर रखा है फॉर बेटर कंफर्ट। और IPX4 का वाटर रेटिंग है। और ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स में ही अवेलेबल मिल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने ब्लैक ऑर्डर किया क्योंकि मुझे ब्लैक ज्यादा कूल लगा। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद है तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ऐसा दिखता अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर आपको बोट इमोटर 100 का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहीं पर अपने प्रोडक्ट के ड्राइंग को प्रिंट कर रखा है। और बॉक्स के साइड में अपने कुछ की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है, बॉक्स के दोनों साइड अपने ब्रांडिंग को प्रिंट किया है, नीचे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस। और इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट किया, इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। और पीछे की तरफ सिर्फ की फीचर्स ही है। तो चलिए भी जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ये अपना बर्ड्स को साइड रखते हैं, देखते हैं अंदर और क्या है। तो ये कुछ पेपर वर्क मुझे इसके साथ देखने को मिला, ये है बोट के कुछ कूल स्टिकर्स यहाँ वहाँ चिपकाने के लिए, और ये है थैंक यू कार्ड, बोट आपको थैंक यू बोल रहा है क्योंकि आपने इनका प्रोडक्ट खरीद लिया, वाह। और ये है यूजर मैनुअल जिसके अंदर थोड़े फीचर्स को, थोड़े फंक्शन को प्रिंट कर रखा है। और ये है FAQ जिसमें उन्होंने बताया कि इन फ्यूचर अगर बर्ड्स गंदा हो जाए तो आपको कैसे क्लीन करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, माइक जाम हो जाता है गंदगी की वजह से। और ये वारंटी कार्ड, इस बार कोड को स्कैन करके आप इनका वीडियो देख सकते हो जिसमें उन्होंने बताया कि आपको वारंटी कैसे क्लेम करना है, और पीछे कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और ये है बोट का बुकलेट जो कि बोट अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड करता है, ना जाने क्यों भाई, तो पूरा फालतू है, पता नहीं हर बार देते ही क्यों है। और ये है इसका टाइप सी चार्जिंग केबल, क्वालिटी काफी बढ़िया है और आप लेंथ देख सकते हो भाई, एकदम पिद्दू सा छोटा सा दिया है। और ये है दो जोड़ी 8 लार्ज एंड स्मॉल, मीडियम साइज का बर्ड्स में लगा है। और अभी क्लोज लुक केस की तरफ, भाई केस का लुक काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर का फिनिश देखने को मिल रहा है और ऊपर ही आप बोट का लोगो देख रहे हो। और हाँ भाई, इसके केस में आपको किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए भाई इसका कलर नहीं उतरेगा, स्क्रैचेस चाहे भर जाए लेकिन भाई कलर नहीं उतरेगा। और आप साइड लुक देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है। और आगे के साइड कैप के पास इन्होंने कट भी बना रखा है ताकि खोलने बंद करने में एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे। और पीछे के साइड है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और नीचे के साइड एक QR कोड है जो कि यूनिक QR कोड है। और आप केस का ऑल ओवर लुक एंड शेप देख सकते हो, भाई काफी ज्यादा छोटा एंड कन्वीनियंट है, इजिली मैंने मुट्ठी भर के अंदर आ गया, जिस वजह से भाई जींस के साइड पॉकेट में भी इजिली एडजस्ट हो जाएगा। और इसका कैप का मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा सही है, वन हैंड यूजेबल है पूरी तरह से, आप इजीली एक हाथ से केस खोल सकते हो, बर्ड्स निकाल सकते हो, बर्ड्स को दोबारा अंदर रख सकते हो। और भाई केस खोलने के बाद जो लुक है ना, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है भाई, कमाल लग रहा है देखने में। यहाँ पर आपको कूल RGB इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है इसके केस में, और इसके बर्ड्स में है रेड ब्लू कलर का LED इफेक्ट्स जो कि काफी ज्यादा ब्राइट है और बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है देखने में। और आप बर्ड्स के ऊपर जो LED इफेक्ट्स देख रहे हो, जब तक बर्ड्स फोन के साथ कनेक्ट नहीं होगा ये लाइट चलेगा, कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, फिर 30 सेकंड्स में सिर्फ एक बार ब्लिंक करता है। और भाई कैप के ऊपर इन्होंने दो कट लगा रखा है ताकि यहाँ से RGB दिखाई दे। और हाँ दोस्तों, इसके केस में आपको किसी भी तरह का लो बैटरी इंडिकेटर का फीचर्स नहीं मिल रहा है, जिस वजह से भाई केस का चार्ज चलते चलते एकदम से खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। और कैप के पीछे के साइड इन्होंने बैटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है। और अभी क्लोज लुक बर्ड्स की तरफ, बर्ड्स का लुक काफी अच्छा है, ऊपर आपको बोट का लोगो देखने को मिल रहा है और यहीं पर जो आप व्हाइट पार्ट देख रहे हो, यहां पर LED ब्लिंक करता है 30 सेकंड्स में एक बार, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और नीचे आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहां पर फिट है इसका फर्स्ट माइक, सेकंड माइक कहां पर है, एकदम नीचे आप एक और होल देख रहे हो, यहां पर फिट है इसका सेकंड माइक। तो भाई
सिंगल बर्ड में डुअल माइक का इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने, और आप ऑल ओवर बर्ड्स का लुक देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, लुक्स में काफी अच्छा है। पूरा गेमिंग ईयरबड का लुक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, मैट ब्लैक कलर कमाल लग रहा है देखने में। और अभी फंक्शन देखे तो सिंगल टच से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कर सकते हो। कॉल एंड करने के लिए और कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको डबल टच करना पड़ेगा दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे। वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए 3 सेकंड लॉन्ग टच करना है लेफ्ट बर्ड्स पे, बीस मोड ऑन ऑफ करने के लिए 3 सेकंड लॉन्ग टच करना है राइट बर्ड्स पे। नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको डबल टच करना है। वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स आपको बर्ड्स में नहीं मिल रहा है, आपको अपना डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई आप देख सकते हो कि बर्ड्स इसके अंदर उल्टा करके अगर आप झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता है, बर्ड्स का मैग्नेटिक इफेक्ट काफी अच्छा है, और अगर इसे हिलाएंगे तो भाई बचता है क्या, एकदम हल्का हल्का माइनर सा बचता है, ज्यादा आवाज नहीं करता, एकदम हल्का। और अगर इसके फील एंड कंफर्ट के बारे में बात करें तो भाई इसका फील एंड कंफर्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई 10mm का डाइवर है जो कि बेस्ट होता है फिटिंग के लिए एंड कंफर्ट के लिए। और इसका टच का रिस्पांस भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, हमेशा रिस्पांस करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता, तो भाई इसका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और आप इसे पहन के धीरे जॉगिंग भी करोगे ना तब भी आपके कानों से नहीं गिरेगा, जिमिंग के लिए भी परफेक्ट है ये, लेकिन आपको तेज रनिंग नहीं करना है तब जरूर आपके कानों से गिर जाएगा। और बर्ड्स का नॉइस कैंसिलेशन भी काफी अच्छा है, सीलिंग फैन के नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है, बस टेबल फैन का नॉइस कूलर का नॉइस हल्का हल्का आपके कानों में आएगा अगर सामने रखा होगा तो। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई वोकल्स एकदम क्लियर एंड लाउड है, और जैसा इंसान का आवाज है एकदम वैसा ही साउंड डिलीवर करता है। ट्रिबल छनकार भी काफी अच्छा आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, छनकार बहुत बढ़िया है, मस्त कानों में छनछन सा मारता है, सुनने में बहुत बढ़िया है। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको बैलेंस बेस सुनने को मिल रहा है, बेस कुछ खास ओवर पावर नहीं है, हाई पावर बेस भी नहीं है, बैलेंस बेस है। इसके बेस को मैं 10 में से 6 स्टार दूंगा, और इसका लाउडनेस भी मुझे बाकी सारे बोट के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में 10% कम सुनने को मिल रहा है, तो इसका लाउडनेस भी थोड़ा सा कम है। भाई प्राइस कम है तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ही ना, तो भाई साउंड हल्का सा कम है, ज्यादा कम नहीं है, लेकिन 100% वॉल्यूम में यहाँ पर आपको डिस्टॉर्टेड आवाज सुनने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप 100% वॉल्यूम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेन बस में आउटसाइड, कमाल का परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए अभी गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और इसका मैंने बीस मोड ऑन कर रखा है, अभी देखते हैं भाई लो लेटेंसी कैसा है, और अप्रॉक्स मेरा 50-60 का पिंग है। स्लो मोशन में देख लेते एक बार, सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक ही है। अप्रॉक्स 70 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और इन्होंने कहा है 40 मिलीसेकंड्स, उतना नहीं है भाई, थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो चलिए अब एक माइक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पर, अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइज है, तो अभी आप सुनो कि इस नॉइज को रिड्यूस कर पा रहा है यानी, अगर इस नॉइज को रिड्यूस कर रहा है मतलब भाई सीलिंग फैन के नॉइज को पूरी तरह से रिड्यूस कर सकता है। अभी हम लोग इस पे एक्सट्रीम लेवल का नॉइज कैंसिलेशन टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई ईएनसी है और वो भी क्वाड माइक के साथ। तो दोस्तों जैसा नॉइज ही है मेरे पास, और अभी नॉइज को रिड्यूस कर पा रहा है, अगर इस नॉइज को रिड्यूस कर रहा है मतलब सीलिंग फैन के नॉइज को, टेबल फैन के नॉइज को नीचे रिड्यूस कर सकता है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हैवी नॉइज जनरेट करता है। और अभी आप सुनो कि अगर नॉइज सामने से आएगा तब कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। बाइक राइडिंग के टाइम सामने तो ऐसा ही आवाज सुनाएगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। तो बस दोस्तों इतना ही था, आप सुनते हो कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका माइक एक्सपीरियंस ठीक ठीक है, इंडोर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सीलिंग फैन के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है, लेकिन भाई हैवी नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता, जिस वजह से आप आउटसाइड इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इंडोर यूज करने के लिए बेस्ट है ये। तो भाई प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बैटरी परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसके बर्ड्स में है 40mAh का बैटरी, और इसके केस में है 300mAh का बैटरी, और इसका बर्ड्स मुझे 100% वॉल्यूम में 5 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है, और इसके केस के हेल्प से मैं इसके बर्ड्स को 2.5 टाइम चार्ज कर पा रहा हूँ। टोटल 17 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 100% वॉल्यूम में, और 50% वॉल्यूम में इजीली 30-35 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो इसका बैटरी परफॉर्मेंस ठीक ठीक ही, एकदम बेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इसका चार्जिंग टाइम बहुत बढ़िया है,
10 वॉट चार्जर से सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो भाई चार्जिंग काफी फास्ट है इसका, और भाई आपको 10 वॉट चार्जर का ही इस्तेमाल करना है। आप इससे कम का यूज कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा का यूज नहीं करना है, बैटरी डैमेज हो जाएगा। और IPX4 का वाटर रेटिंग है, जिस वजह से हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ होगा नहीं, बोले तो भाई गीला हाथ लग गया, पसीना लग गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी में गिर गया तो भाई खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो चलिए अभी चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ।